नमस्कार, मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग 26 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में देख लीजिए, टोटल 6 न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे, जिसमें से एक हम लोग PIB से ले रहे हैं, बाकी द हिंदू में से निकाली हुई है, जहाँ पर हम एक एडिटोरियल, एक लीड आर्टिकल और एक डेटा पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं तो वीट हार्वेस्ट का जो स्टबल बर्निंग है, वीट हार्वेस्ट के बाद स्टबल बर्निंग की यहाँ पर न्यूज़ है। पेज नंबर 4 से ये न्यूज़ हमने लिए द हिंदू से, प्रिलिम्स और मेंस के अंदर एनवायरमेंट सब्जेक्ट के अंदर ये इंक्लूड होती है। तो क्या एग्जैक्टली न्यूज़ में है, तो वीट हार्वेस्ट के बाद कई सारे स्टेट्स के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर दिखाई दे रहा है कि जो बचा हुआ स्टबल रहता है उसको फार्मर्स जला रहे हैं, और कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर की बात करें तो इस साल ज़्यादा ही ये केस दिख रहे हैं। फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि जो बैन लगा हुआ है स्टबल बर्निंग के ऊपर, तो बैन को नेगलेक्ट करके भी स्टबल का बर्निंग कर रहे हैं, यानी कि जो बचा हुआ घास फूस यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको जला रहे हैं। की अलर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, तो गवर्नमेंट का जो डेटा है अक्रॉस द स्टेट पंजाब में 15 अप्रैल से लेकर 24 मई तक के अंदर बता रहा है कि 13,026 इंसिडेंट हुए कि वो लोग इस बचे हुए स्ट्रॉस को जला रहे हैं। पिछले साल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स की बात करते हैं इसी पीरियड के अंदर, तो 10,476 था, और 2018 के अंदर 11,236 था। मोगा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स वहाँ पर ये इंसिडेंट करते हैं, यानी कि स्टबल को जलाते हैं, यानी कि ऐसे इंसिडेंट हुए हैं 1180 के करीब। और फिर अमृतसर की बारी आती है, 1119 केसेस वहाँ पर हुए, ये सेकंड स्पॉट है मोगा डिस्ट्रिक्ट के बाद। फिर आता है बठिंडा, जहाँ पर 1061 केस रजिस्टर हुए पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से। करुणेश गर्ग जो मेंबर सेक्रेटरी है पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने द हिंदू को बताया कि ये जो एक्शन किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा, तो वो बैन के खिलाफ है, बैन के अगेंस्ट है, और इसके लिए कई सारे चालान भी इश्यू किए हुए हैं ऑफेंडर्स को, और इसके अलावा पुलिस केस भी रजिस्टर्ड हुए उन फार्मर्स के खिलाफ जिन्होंने वीट के स्ट्रॉ को जलाया है। जो बैन है या एक्शन है लोगों के खिलाफ जो लिया जाता है अगर वो क्रॉप रेसिड्यू को जलाते हैं, तो वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत एक्शन लिया जाता है। अब स्टबल बर्निंग से हेल्थ इश्यू भी होता है, जब वीट स्ट्रॉ को जलाया जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और उसके अलावा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है धुएं की वजह से, जो दिल्ली में आपको दिखता है कि विंटर्स के दौरान प्रदूषण होता हुआ, तो आसपास के खेत वाले क्या करते हैं, अपने अपने स्टबल्स को जलाते हैं और उसकी असर दिल्ली में दिखती है, तो एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम होता है। ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, तो डिजीज होती है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, और जो COVID-19 से सफ़र कर रहे पेशेंट्स उनके लिए भी रिकवरी है जो कॉम्प्लेक्स बन जाती है, इतनी इजीली नहीं हो पाती। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के बारे में। तो इस एयर एक्ट का एम है कि कंट्रोल करे एयर पॉल्यूशन को लेकर जो पूरे कंट्री में होता है, और उसके अलावा बोर्ड्स को सेटअप किया हुआ है सेंटर और स्टेट के अंदर, ताकि वो बोर्ड क्या करे, नेसेसरी स्टेप्स ले सके उनके एम्स को अचीव करने के लिए, जो कि है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। तो एयर एक्ट क्या कर रहा है, जो अथॉरिटी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के अंदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वाटर एक्ट के तहत, तो उसके दायरे को एक्सपेंड करता है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ साथ। जिन स्टेट के पास वाटर पॉल्यूशन बोर्ड नहीं है तो उनको रिक्वायर है कि एयर पॉल्यूशन बोर्ड बनाए, तो इस एक्ट के तहत इनको वो पावर मिलता है। इस एक्ट के तहत जितनी भी इंडस्ट्री ऑपरेट करती है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एरिया के दायरे के अंदर, तो उनको एक कंसेंट यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट बोर्ड से अपने फंक्शनिंग करने के लिए, और उनको बोला जाता है कि इस लेवल से ज़्यादा पॉल्यूशन जो है एमिट नहीं कर सकते एनवायरमेंट के अंदर। जो स्टेट है उनको प्रिस्क्राइब करवानी पड़ती है एमिशन स्टैंडर्ड को लेकर जो इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकलता है, तो सेंट्रल बोर्ड से कंसल्ट करके स्टेट जो है वो अपना एमिशन स्टैंडर्ड डिज़ाइन करती है, अपनी एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बनता है बाद में। तो ये एक्ट है वो पावर ग्रांट करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और इक्विपमेंट्स को चेक करने की भी अनुमति देता है,
सैंपल्स ले सकते हैं वो एनालिसिस के लिए, कोई भी चिमनी से, फ्लाई ऐश या डस्ट, कई कोई भी पार्टिकल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर से मिलता हुआ, कि भाई इनका एक परमिटेड लेवल से ज़्यादा तो पॉल्यूशन नहीं जा रहा, इसके लिए इनको पावर दिया जाता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये एक्ट क्यों है, इस एक्ट से क्या क्या सेलियंट फीचर्स है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या बात हुई है, तो उसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के अंदर वीट स्ट्रॉ बर्निंग के इंसिडेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ पर होता है और क्यों किया जाता है, तो वाई बर्निंग ये फार्मर्स क्यों करते हैं, उसका हेल्थ इफेक्ट और एनवायरमेंट इफेक्ट क्या है, ये स्ट्रॉज ना जलाए तो अल्टरनेटिवली क्या करवा सकते हैं फार्मर्स के पास से, तो उसका कॉस्ट इफेक्टिव मेथड क्या हो सकता है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और वे फॉरवर्ड यानी कि अल्टरनेटिव का ही डिस्कस करना चाहिए और जो करंट बर्निंग है उसको रोकना चाहिए। अगली न्यूज़ है पेज नंबर 16 से, जो कि बात करता है कि केरला की टीम ने एक सिल्वर फिश को, एक नया स्पीसीज मिला है फिश का, उसको आइडेंटिफाई किया है, ढूंढा है, तो ये प्रीलिम्स और मेंस के एनवायरमेंट के अंदर आएगा, जीएस पेपर 3 के अंदर ये आता है। तो तमिलनाडु के अंदर जो वेलन किनी है वहाँ पर एक न्यू स्पीसीज मिला है स्मॉल फ्रेश वाटर फिश का, जो कि साइप्रिनिडे फैमिली से बिलोंग करता है। डिटेल में जानते हैं तो ये जो नाम है सिल्वर ह्यूड फिश का, तो उसका नाम पड़ा पोइंटुस सेंक्टस। सेंक्टस एक लैटिन वर्ड है होली के लिए, यानी कि एक किसी पवित्र से जुड़ता हुआ ये टर्म है होली। ये जो पोइंटिन स्पीसीज है लोकली केरला के अंदर उसको परल बोला जाता है, और तमिलनाडु को इस अंदर इसको केंदे बोला जाता है, और ये प्योरली फ्रेश वाटर फिशेस है। किसने आइडेंटिफाई किया, तो इस फिश को आइडेंटिफाई किया गया और नेम दिया गया सबसे पहले मैथ्यूज प्लेमुटिल ने, जो हेड ऑफ जूलॉजिकल डिपार्टमेंट थे बीजेएम गवर्नमेंट कॉलेज चवारा कोलम के अंदर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है तो 7 सेंटीमीटर तक ये ग्रो होती है, इसका माउथ प्रोटेक्टेबल है, और पेयर ऑफ मैक्सिलरी बारबेल्स है, यानी कि एक सेंसरी ऑर्गेन है उनके स्नॉट के पास में। 2425 लेटरल लाइंस की स्केल्स है उनके ऊपर, और 10 प्रेडोर्सल स्केल्स है उनके ऊपर। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। और ये जो फिश है वो खाने के लिए और एक्वेरियम ड्रॉस के लिए, दोनों के लिए ही यूज़ की जाती है इंसानों के द्वारा। अब बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश हुआ था 1916 के अंदर। तो ये एक नेशनल सेंटर है फॉरेस्टिक सर्वे करने के लिए, और उसके अलावा रिसोर्स जो एडवांस नॉलेज के लिए हमको गाइड करता है उसके एक्सप्लोरेशन के लिए भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिम्मेदार होता है। और एक्सेप्शनली ये रीच फॉनल डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करता है हमारी कंट्री के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर, 16 रीजनल स्टेशन है उसका अलग अलग लोकेशन के अंदर पूरे कंट्री के अंदर। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर ये आता है। तो ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर। ये क्या करता है, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना के देता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को लेकर, ताकि ये इंश्योरमेंट रहे कि हर एनिमल का एक यूनिक आइडेंटिटी हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम हो। तो ये क्या करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को क्रिएट करता है और रिवाइज करता है टाइम टू टाइम बेसिस पर। ये ली कॉन्ग चेन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के आधार पर बना हुआ है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के आधार पर बना हुआ है। क्वेश्चंस की बात करता है तो जो नया स्पीसीज पाया गया है उसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, उसकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, कंटेक्स्ट है इसका कतकरी ट्राइब्स के बारे में, एग्जैक्टली न्यूज़ के अंदर क्या है। तो महाराष्ट्र के शाहपुर एरिया के जो कतकरी ट्राइब्स की ये जो यूथ है वो अपना नाम बना रहे गिलोय को बेचकर और दूसरे प्रोडक्ट्स को बेचकर ऑनलाइन इस लॉकडाउन के चलते। इन डिटेल देखते हैं तो इनको हेल्प मिल रही है प्रधानमंत्री
वन धन योजना की तरफ से, जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड इसका नोडल एजेंसी है चलाता है। ट्राइफेड एक नेशनल लेवल का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर में काम करता है। गिलोय की बात करते हैं जिसको टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसको यूज़ किया जाता है और एडवोकेट किया जाता है कि ये एक इंडियन मेडिसिन है कई पीढ़ियों से, कई सालों से, और इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। की पॉइंट्स देखते हैं तो कटकरी जो है 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में से एक है। प्राइमरीली ये रायगढ़ के अंदर लोकेटेड है और कुछ पार्ट्स ऑफ पालगढ़ के अंदर। पालगढ़ का इंसिडेंट अभी न्यूज़ के अंदर आया कि 3 साधुओं को मारा गया था एक काफ़ी सारी भीड़ ने इकट्ठा होकर, तो ये पालगढ़ अभी न्यूज़ में था। इसके अलावा रत्नागिरी और थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर भी पाए जाते हैं और गुजरात के भी कुछ प्लेसेस के अंदर ये कटकरी ट्राइब्स पाए जाते हैं। कटकरी हिस्टोरिकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। जो नाम है कटकरी वो उनको फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी से मिला है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जो खैर पेड़ है उनसे कटेचू बनाते हैं और उसको बेचते हैं। खैर पेड़ को अकासिया कटेचू भी बोला जाता है साइंटिफिकली। अब कटेचू क्या है? कटेचू एक अकासिया ट्रीज का एक्सट्रैक्शन है जो वेरियसली फूड एडिटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है, डाई के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। वुड को बॉइल करके पानी के अंदर ये कटेचू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इवेपोरेशन से इसका ब्रूइंग होता है, जैसे कॉफ़ी ब्रू होती है उस प्रकार से इसका ब्रू किया जाता है। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्लासिफाई किया इनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 1871 वाले। ये एक्ट डिस्क्राइब करता है कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल को हैबिचुअल क्रिमिनल के रूप में, और ये जो स्टिग्मा है इस एक्ट से कंटिन्यू रहा है कि ये ट्राइब्स जो है वो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है, उनको क्रिमिनल्स बताया गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब प्रधानमंत्री वंदन योजना की बात करते हैं तो ये एक रिटेल मार्केटिंग लीड वैल्यू एडिशनल प्लान स्कीम है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब्स जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं लोकली प्रोड्यूस को बेचकर। जो माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस है यानी कि सारे ही नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसका प्लांट ओरिजिन हो, जिसमें बैम्बू आ जाता है, केन्स आ जाता है, फोडर, लीव्स, गम्स, वैक्स, डाइज, रेजिन्स और कोई भी फॉर्म ऑफ फूड जिसमें नट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, हनी, लेक और टसर्स वगैरह इंक्लूड हो। तो ये स्कीम सब्सिस्टेंस और कैश इनकम प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो फॉरेस्ट के अंदर या उसके आसपास रहती हो। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना फूड, फ्रूट्स, मेडिसिन या कोई भी कंजम्पशन आइटम्स वगैरह बेच वगैरह करके अपना पैसा कमा सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड ट्राइबल ग्रुप्स है या एंटरप्राइज है जिसमें 300 मेंबर्स होंगे, एक कलेक्शन के रूप में वैल्यू एडिशन करके, पैकेजिंग करके, मार्केटिंग करके अपना फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस को बेच सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। ये जो ट्राइबल एंटरप्राइज है वो वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म के अंदर बोला जाएगा, जिसके अंदर 15 से 20 लोग होंगे। ऐसे 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप को अभी तक जो है फेडरेशन के द्वारा निकाला गया है या बनाया गया है और इनको इकट्ठा करके एक लार्ज ग्रुप बनाया जिसका नाम है वन धन विकास केंद्र, जिसमें 300 मेंबर्स हैं। जो ट्राइफेड है वो सपोर्ट करता है इन विकास केंद्रों को एक बिजनेस मॉडल प्लान बना के, प्रोसेसिंग प्लान्स बनाकर और टेंटेटिव लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स देकर, ताकि वो अपना वैल्यू एडिशन का काम कर सके अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का और कमा सके। अगले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो पेज नंबर 6 से आती है, एडिटोरियल है जिसका टाइटल है बैटिंग फॉर फ्री स्पीच। प्रीलिम्स में पॉलिटी और मेंस के अंदर पॉलिटी एंड सोशल इश्यू के अंदर आता है, जीएस पेपर 2 के अंदर। तो कंटेक्स्ट क्या है कि लगातार पिछले 3 डिकेड से यहाँ पर दिख रहा है कि जो तमिलनाडु की सरकार है वो इंडिस्क्रिमिनेट इंस्टीट्यूशंस को क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोसीजर्स के अंदर फंसा लेती है। बिकॉज ऑपोजिशन लीडर या मीडिया वाले क्या करते हैं, अगर कुछ सच्चाई दिखाना चाहती हो तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमा चला लेती है और किसी केस के अंदर फंसा लेती है कि ये लोग अपना
मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठा रहे, गैर फायदा उठा रहे और पब्लिक कंटेक्स्ट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, इस प्रकार से उनको फंसाया जाता है। और किस तरह से कोर्ट ने इसमें अपनी सुनवाई की है तो हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो कोर्ट ने क्या इश्यू जताया है वो हम लोग देखते हैं। तो कोर्ट के, मद्रास कोर्ट के जो जस्टिस है कुदोश, उन्होंने बोला है सरकार को फॉल्टी बताते हुए कि जो सरकार सेंक्शन लगा रही है, ठीक है, इनिशिएट कर रही है केसेस का प्रोसिक्यूटर्स बनवा के, तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही कि किसके तहत उन्होंने ये केस रजिस्टर किया है, मीडिया वालों के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर या अपने ऑपोजिशन के ऊपर। और साथ ही साथ कॉशन देते हुए बोला, तो प्रोसिक्यूटर को बोला है कि जो एक्टिंग के अगेंस्ट में काम करते, तो बोला कि ये पोस्ट ऑफिस जैसे काम ना करे। और बोला कि अगर रोल आ रहा है स्क्रूटिनाइज करने मटेरियल को इंडिपेंडेंटली, तो पहले देखो कि जो ऑफेंस है वो हुआ है कि नहीं हुआ, अगर हुआ है तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, अपना ऑफिशियल जो काम है, फंक्शन है, डिस्चार्ज करते टाइम पब्लिक सर्वेंट को लेकर, पब्लिक सर्विसेज को लेकर उसको अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, एक कंप्लेंट फाइल करने से पहले ये सब आप जांच ले। और इसके बाद कोर्ट ने अपनी वर्डिक के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स की भी बात की। तो जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, जस्टिस अब्दुल कुदोश ने कई सारे सीरीज ऑफ डिफेमेशन को स्क्वैश करते हुए बोला 2011-12 के समय से। तो प्रिंसिपल के जरिए बोला कि जो सरकार है जिस तरह से डिटर कर रही है हैसली और ईल एडवाइस की तरीके से, और जो स्टेट फंडेड प्रोसिक्यूशन है पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ में जो कंप्लेन दाखिल कर रहे हैं इन जर्नलिस्ट और मीडिया के खिलाफ, तो वो सही नहीं है। और कई सारे प्रिंसिपल की बात की है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि स्टेट को इम्पल्सिवली इन्वोक नहीं करना चाहिए CRPC के प्रोविजन को, ताकि अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो बच जाए और डिफेमेशन फाइल कर दे किसी के भी खिलाफ। तो हर एक रिपोर्ट जो क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार को, तो उसके खिलाफ आप यूं ही CRPC का जो प्रोविजन है इन्वोक नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप इम्पल्सिव एक्शन करेंगे तो वो डेमोक्रेसी को बिगाड़ देगा, खराब कर देगा। और सरकार को ये एडवाइस दिया है कि हाई थ्रेशोल्ड लेवल तक अगर कोई जा रहा हो तो आप डिफेमेशन प्रोविजन की तरफ जा सकते हैं। और कोर्ट ने यह भी बोला है कि ये नोट किया गया है कि हर बार जब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ डिफेम किया जाता है प्रेस के द्वारा, प्रेस रिपोर्ट के द्वारा, तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आप उसको कॉज बना दो और अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलकर अपनी प्रोसीजर जो है उसके खिलाफ शुरू कर दीजिए। और जो स्टैट्यूटरी डिस्टिंक्शन है डिफेमिंग करना पब्लिक सर्वेंट को एज अ पर्सन, या तो स्टेट को खुद के खिलाफ अगर डिफेम किया जाता है तो उसमें एक डिस्टिंक्शन रखना चाहिए, डिफेम्ड यानी कि गलत साबित करना, तो एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए, पहले जांच होनी चाहिए। तो अर्लियर मद्रास हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उन्होंने नोट करते हुए बोला कि जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल डिफेमेशन का, यहाँ पर डिफेमेशन का मतलब क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल की रेपुटेशन को इंजर्ड करता कोई लीगल क्लेम जिसको हम डिफेमेशन बोलते हैं। तो कोर्ट कह रहा है जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल डिफेमेशन का वो इंप्यूटेशन है, अगर कोई जानबूझकर किसी की इमेज को हर्ट करना चाहता हो, मेलाइज करना चाहता हो, या तो कोई रेकलेस डिसरिगार्ड करना चाहता हो किसी ट्रूथ को लेकर। तो जो रीसेंट जजमेंट है जस्टिस G.R. स्वामीनाथन ने जो दिया था, उन्होंने बोला कि जो भी माना जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट एज दी सुलिवन रूल ऑफ एक्चुअल मेलिस, एक्चुअल मेलिस का यानी कि मतलब है, मेलिस मतलब अ विश टू हर्ट अदर पीपल या अ विश टू हर्ट पीपल। तो एक्चुअल मेलिस क्या है, एक लीगल स्टैंडर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA ने एस्टैब्लिश किया था लाइबल केसेस को डील करने के लिए, यानी कि डिफेमेशन केस को डील करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए कि क्या पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक फिगर जो रिकवर करती है अपने डैमेजेस को अपने लॉ सूट्स के अगेंस्ट में जो न्यूज़ मीडिया के खिलाफ बोला जाता है। यहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल जो है वो जीत नहीं सकते इस लेबल को, डिफेमेशन केस को, जब तक प्रूफ ऑफ एक्चुअल मैलिस ना मिल जाए, यानी कि ये डिटरमाइन नहीं हो जाए कि पब्लिक ऑफिस या फिगर जो है वो अपनी डैमेजेस को रिकवर कर रहा है लॉ सूट के अगेंस्ट में। तो देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्क्वैश किया प्राइवेट कंप्लेंट्स को
जो जर्नलिस्ट के खिलाफ जा रही थी, न्यूज़पेपर के खिलाफ जा रही थी, तो जज ने बोला कि दो एक्सेप्शन दिए जाते हैं डिफेमेशन को सेक्शन 499 के तहत, जो पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट को पर्टेन करता है और दूसरा कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन और एनी पब्लिक क्वेश्चंस को पर्टेन करता है। इसका मतलब क्या इम्प्लाइज कर रहा है, तो ये कानून अपने आप में क्या बोल रहा है कि जब तक ये बिलीव ना हो जाए कि जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, मतलब जो किया जा रहा है और रिपोर्ट की जा रही है पब्लिक सर्वेंट्स कंडक्ट को लेकर या पब्लिक के ऊपर क्वेश्चंस किया जा रहा है और वो मैलेस के द्वारा विटिएटेड ना हो जाए, तो जो सवाल है डिफेमेशन का वो खड़ा ही नहीं होता। और साथ ही साथ बोला कि अगर रिपोर्टिंग के अंदर इनएक्यूरेसी रहती है रिपोर्टर्स के द्वारा, तो उसको भी आप ओकेजन नहीं बना सकते डिफेम करने के लिए उन लोगों के खिलाफ। और विद इन अ मैटर ऑफ डे सुप्रीम कोर्ट ने दो ब्लोस को स्ट्रक किया, यानी कि फ्री स्पीच और फ्री फ्रीडम को लेकर। इन शॉर्ट, जिस तरह से तमिलनाडु सरकार ने डिफेमेशन का केस फाइल किया है जर्नलिस्ट और मीडिया या न्यूज़पेपर के खिलाफ, उसमें यह बताया गया कि मिसकंडक्ट या इनएक्यूरेट रिपोर्ट्स को बेस बनाकर आप डिफेमेशन नहीं कर सकते, ये बता करके, ये मान करके आपके ऊपर मैलिस हुआ है या तो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि अगर कोई रिपोर्ट सच्ची भी आ रही है और आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है तो डिफेमेशन फाइल नहीं किया जा सकता उन जर्नलिस्ट के खिलाफ। और साथ ही साथ जर्नलिस्ट को भी बोला है कि आप अपनी रिपोर्टिंग जो है वो एक्यूरेटली करिए, आपके पास फ्री स्पीच एंड फ्री फ्रीडम है, तो उसका सही से उपयोग किया जाए। नेक्स्ट न्यूज है पेज नंबर 7 से, एक लीड आर्टिकल है, इसका टाइटल है अ वेल बैलेंस्ड स्टिमुलस पैकेज, इकोनॉमी के अंदर आएगा प्रीलिम्स और मेंस के। यहाँ पर बात हो रही है कि जो सरकार ने रिसेंटली 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज जो रिलीज किया है कई सारे सेक्टर्स को लुभाने के लिए, तो उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है और बोला जा रहा है कि ये काफ़ी वेल बैलेंस्ड स्टिमुलस पैकेज है ऑथर के द्वारा। तो इस आर्टिकल के अंदर ऑथर उस स्टिमुलस पैकेज के बारे में ही बात कर रहा है और बोल रहा है कि जो सरकार ने इस स्टिमुलस पैकेज को रिलीज किया है वो ट्विन मंत्र को एडॉप्ट कर रहा है, ताकि स्टिमुलस पैकेज का जो शेपिंग है वो सही से मैनेज हो जाए। तो दो मंत्र हम आगे पढ़ेंगे क्या है। और साथ ही साथ बोला कि इसको सरकार ने 5 फेजेस के अंदर रोल आउट किया और एक अर्ली फेज के अंदर भी रोल आउट कर लिया था। जो फर्स्ट स्ट्रांस है, तो उसके अंदर बोला कि फर्स्ट हमको इंश्योर करना है कि जो ह्यूमन कॉस्ट हो रहा है COVID-19 क्राइसिस को लेकर वो कम से कम हो, एस्पेशली उनके लिए जो बॉटम के अंदर ऑन ग्राउंड पीस पिरामिड के अंदर काम कर रहा है या तो फंसा हुआ है। दूसरा बोला कि जो सेकंड उसका स्टैंड है वो ये है कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना और बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना जो कई सालों से कई समय से पेंडिंग था। तो ऑथर बोल रहे हैं कि ये जो दो प्रायोरिटीज है, एक तो COVID-19 के इफेक्ट को मिनिमाइज करना और अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना, तो ये स्टिमुलस पैकेज के अंदर काफ़ी केयरफुली क्राफ्टेड किया हुआ है, वेल बैलेंस्ड है और ये बोल्ड पैकेज है जो आने वाले दिनों में दोनों ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता हुआ दिखाई देगा। कैसे देगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं ऑथर की नज़र से। ऑथर बोल रहे हैं कि ये डिमांड को लिफ्ट आउट करेगा, तो किस तरह से करेगा वो देखते हैं। ऑथर कह रहा है कि जो टोटल इफेक्टिव डिमांड है वो कई सारे डिमांड को मिलकर बनती है, जैसे कि कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड इंटरमीडिएट गुड की डिमांड। और साथ ही साथ ऑथर ने ये भी बोला है कि जो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि कंज्यूमर के हाथ में डायरेक्ट कैश देने से ही जो डिक्लाइनिंग डिमांड है वो रिवर्स हो सकती है इकोनॉमी के अंदर, तो उनको क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि जो एडिशनल क्रेडिट लाइन मिला है MSME को या तो स्ट्रीट वेंडर्स को या फार्मर्स को एडिशनल क्रेडिट मिला है 2 ट्रिलियन रुपीज़ का, तो वो श्योरली कंट्रीब्यूट करेगा और मजबूत करेगा एग्रीगेट डिमांड को हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब जो कि जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसने सीरियसली इम्पैक्ट किया है हमारे सप्लाई और डिमांड साइड के इकोनॉमी के अंदर, तो ये स्टिमुलस पैकेज इफेक्टिवली एड्रेस करेगा दोनों ही एस्पेक्ट को। तो डिमांड को लिफ्ट करने के लिए और क्या क्या इस पैकेज के अंदर बताया गया है, तो जो कंज्यूमर डिमांड को डायरेक्टली असर करेगा या तो ऊपर लाएगा वो है 1.73 लाख करोड़ का
पैकेज जिसमें इनकम को इम्प्रूव होने की बात हो रही है और जो मोस्ट वल्नरेबल पर्सन है उसके वेलफेयर की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें इंक्लूड हो रहा है 20 करोड़ फीमेल जनधन अकाउंट होल्डर्स जिसको डायरेक्टली पैसा मिलेगा अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर, जो कि फर्स्ट पैकेज के अंदर ही अनाउंस किया गया था। उसके अलावा 50,000 करोड़ का एडिशनल इनकम मिलेगा ऑन हैंड उन लोगों को जो TDS या TCS 25% से रिड्यूस हुआ था। 40,000 करोड़ एडिशनली एलोकेट हुआ है मनरेगा के लिए, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए, जो जॉब्स को प्रोवाइड करेगा और सिक्योर करेगा उन लोगों को जो अपने गांव की तरफ रिटर्न हो रहे हैं मेट्रोज या सिटीज़ में, तो उनके जॉब के लिए यहाँ पर सिक्योरमेंट हो रही है। 30,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए दिया गया है, 17,800 करोड़ ट्रांसफर किया गया है, 12 करोड़ फार्मर्स को और 13,000 करोड़ ट्रांसफर किया गया है स्टेट को ताकि वो अपना फाइनेंस कर सके जो भी उनका क्वारंटीन होम शेल्टर होम्स माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चल रहा है उनकी मदद के लिए। तो ये जो मेजर्स है वो डिमांड को ट्रिगर करेगा, जो एक नेसेसरी कंडीशन होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस से रिकवर करने के लिए। अब ये पैकेज सप्लाई साइड को कैसे बढ़ावा देगा, तो सप्लाई साइड के लिए सरकार ने इस रिस्पॉन्स को फोर फोल्ड में बताया, यानी कि चार स्टेप्स में बताया गया है। तो पहले बोला गया है कि जो नेशन की फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है और साथ ही साथ फार्मर की इनको इनकम्स को इम्पैर्ड नहीं करना, खराब नहीं करना। और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो एग्रीकल्चर या उससे जुड़े हुए एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है, जैसे कि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर, तो इमिडिएटली उनके लिए भी कई सारा अनाउंसमेंट किया है लॉकडाउन के चलते। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से सक्सेसफुली हार्वेस्ट किया गया और एफिशिएंटली प्रोक्योर किया गया रबी क्रॉप्स को सरकार के द्वारा। जो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन है उसमें 78,000 करोड़ को पंप्ड किया गया और न्यू परचेसिंग की गई और फार्मर्स के हाथ में पावर दिया गया। इसके अलावा सेकंड तरीके से बात करें तो दूसरा, ये लोग ट्राई कर रहे थे कि जिस तरह से कैश और लिक्विडिटी क्रंच हो रही है तो वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए कई सारे कदम उठाए हैं और मॉरेटोरियम अनाउंस किया गया सारे बिजनेसेस के लिए ताकि अपने जो डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस है कॉमर्शियल बैंक के वो डिले किया जा सके। MSME को एडिशनली क्रेडिट दिया गया 3 ट्रिलियन रुपीज़ का विदाउट कोई फ्रेश कोलेटरल, यानी कोई गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपको फर्दर क्रेडिट चाहिए तो, यानी कि जो आपका पुराना लोन चल रहा है उसके ऊपर आपको एडिशनल क्रेडिट मिल सकता है MSME। उसके अलावा न्यू इक्विटी भी अवेल कर सकता है 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स के रूप में। तो ये जो मेजर है वो काफ़ी मदद करेगा लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस को, स्पेशली जो सर्विस सेक्टर के अंदर है जैसे कि हॉस्पिटैलिटी एंटरटेनमेंट रिटेल्स वगैरह, उन सब के लिए जो नियर कंप्लीट लॉस ऑफ रेवेन्यू सफ़र कर रहे हैं इस लॉकडाउन के जरिए। इसके अलावा 90,000 करोड़ का क्रेडिट पैकेज दिया गया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ को ताकि वो अपने ड्यूज को क्लियर कर सके जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर्स से उन्होंने लिया हुआ है। थर्ड सेट के अंदर जो इकोसिस्टम है प्राइवेट प्रोड्यूसर का और इन्वेस्टर का, उनकी इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने की बात आ रही है जो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर दोनों से जुड़े हुए उन दोनों के लिए ही। फार्मर्स को अभी मच नीडेड फ्रीडम मिलेगा ताकि वो अपना क्लाइंट को चूज कर सके। जो पुरानी प्रथा चल रही थी एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955 के तहत ही उनको बेचना पड़ेगा और इनके अलावा जो ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स है एग्रो प्रोडक्ट्स का, तो वो अपना स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं जितना ज़रूरत है ताकि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को वो फुलफिल कर सके। इसके अलावा लिब्रेशन दी गई डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर, इंडिया इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर हाइयर सेल्फ रिलायंस की यहाँ पर बात कर रहा है, स्वनिर्भर की बात कर रहा है और एक एक्सपोर्टर के तौर पर इमर्ज होने की बात कर रहा है। अब प्राइवेट बिजनेस वाले भी इस सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं
जो पहले मोनोपोली थी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की यानी कि सरकार की कंपनियों की डोमिनेटेड थी और मोनोपोली थी, तो अब डिफेंस के अंदर प्राइवेट बिजनेस भी ऑपरेट कर सकते हैं। और जो फाइनल मेजर्स है वो 50 लाख फैमिली के, उससे भी ज़्यादा फैमिली के लाइव्स और लाइवलीहुड को टच करता है। जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश भर में, उनको क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया 10,000 हर एक को, ताकि वो अपना रीस्टॉकिंग कर सके। यानी कि अगर रेडी वापस लगानी हो तो अपना इनिशियल जो पैसा कैपिटल चाहिए होता है वो सरकार उनकी मदद करेगी। तो ये जो पैकेज है वो गारंटी कर रहा है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले उनको किस तरह से सर्वाइव करवाना है, और इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड भी बना रहा है ताकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया जाए, ताकि ग्रोथ को बोल्स्टर यानी बढ़ाया जा सके। तो फाइनल कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पे ऑथर ने लिखा है कि जो इस स्टिमुलस पैकेज का जो साइज है 20.97 ट्रिलियन रुपीस का, वो काफ़ी बड़ा है उससे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस के अंदर 12 मई के अंदर प्रॉमिस किया, उससे काफ़ी ज़्यादा पैकेज यहाँ पर घोषित करता हुआ दिखाई दिया है। 10% ऑफ जीडीपी से भी ज़्यादा का ये पूरा पैकेज जो है वो लॉन्च किया गया, और कंपेयर करें दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी से तो ये काफ़ी बड़ा पैकेज माना जाता है। इंडियन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल मजबूती भी दी गई है, ताकि इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर, पोस्ट कोविड पीरियड के अंदर, वो अपनी मजबूती से आगे बढ़ सके। इसके अलावा जो इंडियन फर्म्स है उनको भी काफ़ी स्टिमुलस दिया है, ताकि उनका इकोसिस्टम और मजबूत हो जाए और उनको मदद मिले कि वो ग्लोबल लेवल तक जो है अपना कामकाज कर सके। और उनको मदद की जा रही है कि जो हमारा इंडियन ब्रांड है वो लार्ज शेयर कमांड कर सके ग्लोबल मार्केट के अंदर, और सक्सेसफुली पार्टिसिपेट करे ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर, और इसी तरह से मेक इन इंडिया का जो सपना साकार करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑथर बता रहा है इस आर्टिकल के जरिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं टाइटल के ऊपर से ही इस आर्टिकल के, जैसे कि हाउ गवर्नमेंट्स स्टिमुलस पैकेज विल लिफ्ट डिमांड एंड सप्लाई प्रॉब्लम, एंड दूसरा क्वेश्चन हाउ इट विल मिनिमाइज द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ COVID-19 क्राइसिस एंड ऑल्सो पेव द पैच फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, के किस तरह से ह्यूमन कॉस्ट को ये मिनिमाइज करेगा और किस तरह से ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में भी मदद कर रहा है ये वाला स्टिमुलस पैकेज। तो इस आर्टिकल से ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। इसको आप आर्टिकुलेट करिए, इस क्वेश्चंस के आधार पर आप अपना आंसर आर्टिकुलेट करके हम आपको ईमेल कर सकते हैं magnitudeinstitute@gmail.com के अंदर। अगली न्यूज है पेज नंबर 7 से, जो कि डेटा पॉइंट है द हिंदू के न्यूज़पेपर से, सोशल इश्यू के अंदर ये कवर होता है आपके। कंटेक्स्ट क्या है तो सिम्टम और उसकी एबिलिटी टू इन्फेक्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन के पेशेंट्स के डेटा यहाँ पर लिए हुए हैं, और जो सिग्निफिकेंट शेयर कर रहा है COVID-19 पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्शन से गुजर चुके हैं, और कुछ वो भी लोग हैं जिन्होंने कोई सिम्टम्स नहीं दिखाए, यानी कि प्री सिम्टोमेटिक पीरियड के अंदर थे, और उनको भी लिया है कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है उनकी एबिलिटी है कि इन्फेक्शन ड्रॉप्स को वो ट्रांसफ़र कर सके टू वेरी लो लेवल्स जस्ट अ वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो द हिंदू डेटा टीम ने पूरा एनालाइज किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इन्फेक्शियस पीरियड के बारे में, तो चाइना के अंदर 77 इन्फेक्टर्स और इन्फेक्टी के पेयर्स को, यानी कि जो इन्फेक्शन दे रहा है और जो इन्फेक्शन ले रहा है उनके पेयर को यहाँ पर एनालाइज किया गया, प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस पेयर के अंदर, और स्टडी किया गया प्राइमरी कोविड केसेस के अंदर। इन्फेक्शियस पीरियड यानी कि वो टाइम प्राइमरी केसेस के लिए जो ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शंस को सेकेंडरी केस के अंदर। तो इस ग्राफ के जरिए देख लिए इन्फेक्शियसनेस है जो बढ़ता है यहाँ पर, और इन्फेक्शन पीरियड जो 2.3 डेज पहले शुरू हो जाता है जब सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं उसके पहले, तो इस पॉइंट को देखिए ये इन्फेक्शियस पीक है 0.7 डेज का सिम्टम्स के आने के पहले। और स्टडी ने बताया कि जो 44% का सेकेंडरी केस है वो इन्फेक्ट हुआ है प्री सिम्टोमेटिक स्टेज के अंदर प्राइमरी केसेस के, यानी कि प्री सिम्टम्स देखिए उससे पहले ही ट्रांसफ़र हो गया है, और जो इन्फेक्शियसनेस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है जैसे जैसे दिन पास होते हैं वैसे वैसे। तो किस
इस ऑब्जर्वे इस ग्राफ के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन है? तो फर्स्ट चार्ट बता रहा है कि सिर्फ सिम्टोमेटिक पेशेंट को आइसोलेट करोगे तो वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है सेकेंड इन्फेक्शियस इन्फेक्शन का, वो सिम्टम्स के पहले ही हो जाता है, तो एसिम्टोमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर ग्राफ है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के बारे में। तो ताइवान के अंदर 100 प्राइमरी पेशेंट्स और उनके 219 फैमिली को कॉन्टैक्ट जो आए हैं उनको स्टडी किया गया। उसमें पाया गया कि सिर्फ 11 कॉन्टैक्ट जो है वो पॉजिटिवली टर्न हुए हैं। जितने भी वो ये लोग 11 लोग थे वो उन 176 में से थे जो कॉन्टैक्ट हुए प्राइमरी पेशेंट से पहले 5 दिन के अंदर जब सिम्टोमेटिक ऑनसेट हुआ था तब। तो ये जो ग्रे कलर है या ग्रीन कलर जैसा आपको दिख रहा है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आने वाले लोग हैं, और यहाँ पर जो मिट्टी वाला कलर है ये वो लोग हैं जो पॉजिटिवली कन्वर्ट हुए वो। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है कि सिम्टम्स के आने के 5 दिन बाद जो ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फेक्शन का वो 0% तक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज फिर धीरे 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 आता हुआ 0 हो जाता है। तो ये जो लाइन है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ कॉन्टैक्ट्स हु टर्न्ड पॉजिटिव। अब नेगेटिव रिजल्ट की बात करते हैं तो 7766 कोविड पेशेंट्स को सिंगापुर के अंदर एनालाइज किया गया और ये बताया गया और ये पाया गया कि जो 30% टेस्टेड है वो नेगेटिव थे जब उनके स्वैब्स के जरिए टेस्ट किया गया तब बाय डे 15 15 दिन तक, और 68% नेगेटिव मिले 21 डेज तक, और 88% मिले 28 डेज तक, और 95% नेगेटिव मिले 33 डेज तक। यानी कि कुछ पेशेंट जो है वो कंटिन्यूली पॉजिटिव टेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक महीने के बाद भी इलनेस के। हाउएवर यहाँ पर ग्राफ में क्या दिख रहा है कि जो इनकी एबिलिटी इन्फेक्शन को फैलाने की वो कम हो जाती है एक हफ्ते के बाद, यानी कि एकदम खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर जो नेगेटिवली टेस्ट हो रहे हैं कितने दिन बाद इस ग्राफ के जरिए। तो लास्ट वर्ड के जरिए यहाँ पर दयेंदु क्या बोल रहे हैं कि जो पेशेंट की एबिलिटी है वायरस ड्रॉप्स को ट्रांसफर करने की वो एक हफ्ते बाद कम हो जाती है सिम्टम्स आने के बाद, तो उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है अर्ली, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल सेक्टर का जो स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस हो जाए, उनके ऊपर जो बोझ है वो कम हो जाए। और इसके अलावा जो प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग एंड आइसोलेशन की जाए सिग्निफिकेंटली तो वो रिड्यूस कर सकता है डिजीज के स्प्रेड को। तो ये फाइनल यहाँ पर कंक्लूजन आता हुआ दिख रहा है द हिंदू के इस डेटा से। होप सो आपको ये काफ़ी मदद करेगा और आप अपनी सोसाइटी में भी ये स्प्रेड कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में या मेंस के अंदर किस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा है, या तो इस डेटा के आधार पर आप क्वेश्चंस को उसके आंसर्स को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्स वाई जेड क्वेश्चन आया हो सकता है कि ये डेटा आपको मदद करे कुछ एग्जांपल्स पुटअप करने के लिए, कुछ करंट कंडीशन को पुटअप करने के लिए। तो डेटा पॉइंट्स आपको इस तरह से मदद करेंगे। यहाँ पर आप द हिंदू के हेडलाइंस देख सकते हैं कि दूसरी एक्स्ट्रा न्यूज़ आप कौन सी पढ़ सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में से। आज के एनालिसिस में बस इतना ही। फर्दर कोई डाउट या आपके सजेशन हो तो कमेंट में बता सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।